हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह 6:30 मॉर्निंग में 6:30 पर उठ गई थी और मेरे सारे काम भी कोई टाइम टू टाइम फिनिश हो गए थे। फ्रेंड्स, सुबह उठकर मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लग रही थी अपने आप में। और देखिए ना, कोयल की वॉइस ये कितनी प्यारी लग रही है, एक एनर्जी सी प्रोवाइड कर रही है ये। सच में गाइस, मुझे इतना अच्छा लगा ना सुबह उठ के। काफ़ी दिन से मैं बहुत ज़्यादा लेट उठ रही थी क्योंकि मैं रात को लेट हो जाती थी, लेकिन अब मैं भी कोई टाइम से उठी हूँ तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अब हो रहे हैं नाइट के 10:30। मैंने अपनी बेटी परी को सुला दिया है और मैं करने बैठ गई हूँ स्टडी। तो मैं तो कर रही हूँ स्टडी और आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक मोटिवेशन पोयम। आप मोटिवेशन पोयम सुनिए और मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, जिससे आप भी मोटिवेट होते रहेंगे और साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी करती रहूँगी और आप भी मोटिवेट होते रहिए। और आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो अपनी जर्नी को यूं ही इंजॉयफुल बनाइए और यूं ही आगे बढ़ते जाइए और अपने गोल को अचीव करिए। तो पोयम की लाइंस कुछ ऐसे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण नहीं गहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, भूलोक को मूल नसाते हैं, बड़ कुछ विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, गुण बड़े एक एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी बह नहीं पाता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पोयम? ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पोयम है। ये बहुत ही अच्छे लेखक थे। और आपको कैसी लगी मेरी पोयम, आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय, गुड नाइट।